आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम जी जी आ रही है, मैं निब्रास बात कर रहा हूँ। वालेकुम सुफियान, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुफियान, क्या सिचुएशन है आपके काम की? मैम प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी है मैंने, अच्छा, और बाकी वो रिव्यू जो था पीयर रिव्यू वो मैं आज कर दूंगा क्लास के फौरन बाद। उसको जरूर अपलोड कर दीजिएगा और प्रपोजल पे मैं आपको फीडबैक जो है वो दे दूंगी। तो आपको समझ में आ गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? दूसरों के काम को देख के अंदाजा हो जाता है कि काम किस तरह करना है, क्योंकि जब दूसरे ने कोई इंट्रोडक्शन लिखा, मेथड लिखा, तो उस मेथड में अगर कोई फ्लॉ है, सैंपल में कोई फ्लॉ है, या उस सैंपल की जो ब्यूटी है या स्ट्रेंथ्स हैं, वो सारी आपको नजर आ रही होती हैं, यू नो। मैम मैंने नोट्स लिए थे, कुछ प्रेजेंटेशंस जो थी उनके मेरे पास नोट्स पड़े हैं, और उसके मुताबिक मैं मजीद मतलब अपनी जो प्रपोजल है उसको बेहतर कर रहा हूँ। यान, क्या आपको मालूम है कि मैंने आपकी जो क्लासेस और लेक्चर्स हुए हैं उनको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो इन केस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यू कैन एक्सेस इट अगेन, ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस या कोई चीज़ देखनी हो तो आप उसको दोबारा देख सकें। इट्स नॉट फॉर जनरल पब्लिक, क्योंकि उसमें आप लोगों के रिसर्च प्रपोजल्स थे, लेकिन सर्टनली इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। आपको पता है ना कि यूट्यूब के दो तीन डिफरेंट तरह के व्यूअर्स होते हैं, प्राइवेट, लिस्टेड एंड पब्लिक। तो उसको मैं लिस्टेड पे सेट कर देती हूँ फॉर नाउ, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। उसको सूनर मैं उसको पब्लिक भी कर दूंगी, लेकिन मैं जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो जो लोग थीसिस पे करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको उस पर काम करने का मौका मिले, तो उसको इस वजह से मैं नहीं करना चाहती। आपको चाहिए होगा लिंक तो मुझे बताइएगा, आई विल शेयर द लिंक विद यू। वैसे मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। मैम काइंडली अगर आप कर दें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। ऑल राइट, गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका टॉपिक क्या था? मैम मैं उस पर कर रहा था अ गर्ल इन द रिवर, अ स्टडी ऑफ वुमेन्स राइट टू सेक्सुअलिटी एंड स्पाउस सिलेक्शन। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैंने कल जो एक बुक पोस्ट की आपके फाइनल एग्जाम के साथ, वो राइट टू सेक्सुअलिटी पे तो नहीं है, वो किताब वर्किंग गर्ल के ऊपर। तो जी जी, मैं जैसे कि मेरे पास तुम हो में एक वर्किंग गर्ल नजर आ रही है ना, तो वो मैंने वर्किंग गर्ल पे एक किताब शेयर की थी। आप कोशिश करिएगा कि, क्योंकि उसके अंदर राइट टू सेक्सुअलिटी एंड वर्किंग गर्ल के परस्पेक्टिव से उसमें काफी डिस्कशन हुई भी है वर्क और प्रोस्टिट्यूशन की इम्प्लीकेशन के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें राइट टू सेक्सुअलिटी काफ़ी डिस्कस हुआ हुआ है, और ठीक है मैम, उसको उन्होंने, अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट एन आर्किटाइप इज, सो द बुक इज़ एक्चुअली डिस्कसिंग के सर्टेन राइट्स जो हैं वो ये आर्किटाइप क्रिएट कर देते हैं, एंड पब्लिक स्फीयर में विमेन आर कंसिडर्ड प्रोस्टिट्यूट्स इफ़ दे आस्क फॉर देयर राइट, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन ऑनर किलिंग काइंड ऑफ actions. तो आई वुड सजेस्ट कि आप जरा उसको थोड़ा सा देखिएगा जरूर। दैट बुक डज नॉट टॉक अबाउट ऑनर किलिंग, बट इट डज टॉक अबाउट प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा व्हेन पीपल आस्क फॉर देयर राइट टू सेक्सुअलिटी। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जी बताइए मैम। हम लोग जो मतलब लाइक मी एंड नब्रास, हम लोग ने स्प्रिंग में ज्वाइन किया, तो हम लोग प्रपोजल के साथ कुछ और भी सबमिट करेंगे? देखिए, प्रपोजल का तो डेडलाइन गुजर चुकी ना, खत्म हो चुकी उसकी डेडलाइन। आई वांटेड टू सी द प्रपोजल इन फुल फॉर्म, तो मैंने मिड के फौरन बाद वी वेंट थ्रू यू नो लाइक मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिजाइन एक्सेट्रा। So I wanted के वट एवर पीपल हैड रिटन बिफोर, आई आस्क देम के अपने इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू में दे शुड एड रिसर्च मेथोडोलॉजी टू देयर इंट्रोडक्शन। ख़त्म हो चुकी उसकी डेडलाइन, पार्टली उसकी डेडलाइन थी मिड टर्म एग्जाम, और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी दैट दे हैड रिटन अर्लियर, राइट? तो बेसिकली जब मैंने उनसे वो कहा, द ऑब्जेक्टिव वॉज दैट आई कैन सी देयर प्रपोजल इन वन प्लेस, राइट?
तो बतूल ने मुझसे उस वक्त एक क्वेश्चन पूछा था व्हेन आई गिव अ डेडलाइन टू पोस्ट फाइनल प्रपोजल्स ऑन अप्रैल 5। तो बतूल आस्क्ड मी कि इफ आई विल बी रीमार्किंग द असाइनमेंट्स एक्सेट्रा बिकॉज आई आस्क्ड देम टू पोस्ट द प्रपोजल यू नो ऑन अप्रैल 5। मैंने उनसे कहा कि आई वांट टू सी फुल प्रपोजल इन वन प्लेस। तो बेसिकली मैंने उसको ये बताया था कि इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स दैट आई अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन राइट रिसर्च प्रपोजल्स। तो जब तक आप लोग प्रपोजल अपलोड नहीं करेंगे इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू असेस दैट पीपल बाय नाउ नो हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू फाइंड अ सैम्पल फॉर द स्टडी एंड व्हाट अ सैम्पल शुड बी फॉर अ सर्टन टॉपिक एक्सेट्रा। तो इसके लिए वो पूरा प्रपोजल एक जगह पे देखना ज़रूरी था। बट आई डिड टेल हर कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिसाइड इफ पीपल आर कंप्लीटिंग दिस कोर्स और इफ पीपल आर पासिंग और फेलिंग दिस कोर्स, दैट आई कुड डिटरमिन ओनली बाय लुकिंग एट द प्रपोजल। तो आई वुड सजेस्ट कि यू ज्वाइन इन दिस सेमेस्टर। आई नो कि यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद परहैप्स पेपर राइटिंग। डिड यू एवर राइट पेपर बिफोर इन एनी ऑफ योर कोर्सेज ड्यूरिंग द अंडरग्रेड प्रोग्राम? मैम असाइनमेंट्स की हैं मतलब, लेकिन इस तरह से रिसर्च नहीं की, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस वक्त आपने, चूंकि आपने MS में एडमिशन ले लिया ना, MS हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। MS अच्छा जो है ये काफ़ी, MS रिक्वायर्स सर्टन स्किल सेट। डॉक्टर साहब मैं सोच रही थी कि ये तो कभी हुआ ही नहीं दैट यू ज्वाइन आफ्टर एवरीबडी एल्स। आई थिंक यू आर ऑलवेज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। आपको आपको लिंक नहीं मिला था? आई हैड पोस्टेड लिंक इन। मेरी ना उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, एक सेकेंड। तो इसका सुफियान का एक क्वेश्चन था। सुफियान, रिसर्च प्रपोजल डेडलाइन हैज पास्ड एंड यस मैम, फाइनल एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम योर मिड टर्म एंड फ्रॉम योर असाइनमेंट्स दैट हैव गॉन बाय नाउ। तो मैंने आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं दी है। फाइनल एग्जाम इज प्रिटी स्मॉल। और आप लोगों को आई थिंक कि मैंने आई सेड कि फाइनल एग्जाम कैन बी एनीथिंग अबाउट 2000 वर्ड्स और मोर। ठीक है, तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि फाइनल एग्जाम हैज़ अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑल्सो। व्हाट यू कैन डू कि यू कैन यूज पार्टली इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल्सो योर मेथोडोलॉजी फ्रॉम योर प्रपोजल फॉर डूइंग योर फाइनल एग्जाम। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फाइनल एग्जाम में आई एम लुकिंग फॉर सर्टन हेडिंग्स विच आर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ठीक है मैम। विच मीन्स के प्रपोजल जो है वो पार्टली फाइनल एग्जाम में चला जाएगा इफ योर प्रपोजल एंड द फाइनल एग्जाम आर ऑन द सेम टॉपिक्स। आप लोग अगर फाइनल एग्जाम के लिए डिफरेंट टॉपिक ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट पिकअप फाइनल एग्जाम टॉपिक्स फ्रॉम गूगल क्लासरूम बिकॉज आई पोस्टेड द फाइनल एग्जाम ऑलरेडी। ठीक है, तो ठीक है मैम। मैम बस आई एम सॉरी। आपको असल में आई वुड लाइक टू टेल यू के जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे इन पास्ट 3 इयर्स, योर सीनियर सुपर सीनियर नॉट योर क्लास फेलोज, जो आपके सीनियर थे, वी ऑलवेज टॉट देम रिसर्च मेथोडोलॉजी बिफोर मीडिया थ्योरी कोर्सेज। आपने चूंकि स्प्रिंग में ज्वाइन किया है तो यू आर डूइंग व्हाट योर सीनियर स्टूडेंट्स वर डूइंग। जो इस वक्त आपके क्लास फेलोज हैं उनके लिए मैंने ज़रा मेथड थोड़ा सा चेंज किया था बिकॉज आई थॉट चेंज इन मेथोडोलॉजी वुड प्रॉबली गिव बेटर रिजल्ट्स। आई थिंक के परहैप्स इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम नाउ। तो ठीक है, ठीक है मैम। बस मुझे बस यही पता कर मतलब पूछना चाह रहा था कि मुझे क्या चीजें करनी है क्या नहीं, वो आपने क्लेरिफाई कर दिया है। थैंक यू। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फाइनल डेडलाइन फॉर प्रपोजिंग द एग्जाम इज May 3। आई विल क्रिएट अ लिंक इन CMS फॉर अपलोडिंग फाइनल एग्जाम। सो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर फाइनल एग्जाम बिफोर May 3। सो
when I activate the exam in CMS, you can upload your exam there. So please, aapko aur Nibras ko in particular, I would suggest both of you should share your final exam with me beforehand. Try sharing it. Try sharing it with me today, because I had given a deadline for posting first draft of the final exam. तो वो आप डेडलाइन पे अगर आप शेयर कर लेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू गिव यू फीडबैक दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर फाइनल एग्जाम और सीएमएस में अपलोडिंग मीन्स के वंस आई क्रिएट फाइनल एग्जाम इन इन द सीएमएस आपके पास ऑप्शन नहीं होगी टू सबमिट फाइनल एग्जाम लेटर तो आप लोग अभी करते हैं ना कि समटाइम्स अगर डेडलाइन है कि जी यू अपलोड फाइनल एग्जाम बाय 12:30 PM समटाइम्स पीपल अपलोड इट एट 1 PM और लेटर एक्सेट्रा सो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ हाउ द सीएमएस इज गोइंग टू बिहेव देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सीएमएस विल नॉट एक्सेप्ट लेट सबमिशंस पीपल ट्राई अपलोडिंग लेट सबमिशंस इन गूगल क्लासरूम It is possible that CMS will not accept late submissions. Then it will be identified as late submission. That is, if your teacher accepts the late submission at all. I have to inquire about this from university. Koi question hai aapka? No, ma'am. Thank you. Acha. So, I think we should start the presentations. Is Saifullah here? Muhammad Ali? Yes, ma'am. Should we start from you or should we start from Muhammad Ali? We can start from me. Ji, Saifullah. Okay. So, hello everyone. My name is Saif, and the topic which I chose was A Girl in the River, The Price of Forgiveness, A Study of Women's Rights and Sexuality and Spouse Selection in Pakistan. So starting with the introduction, women not getting their equivalent rights are a point that is often as possible examined worldwide, yet at the same time doesn't appear to be settled. And Pakistan stands among those nations which get condemned for having a culture that bolsters male predominance while controlling women's rights. And this research paper examines women's rights, especially concentrating on the right of sexuality and picking the life of partners of their choice, utilizing the reference of the short film A Girl in the River by Sharmaina Bachchanoi, which won an Oscar in 2015. All right, just a minute. This is not a paper. This is a proposal for research. Proposal, sorry. Yes. I should have mentioned that. So, moving forward, the short film is a genuine depiction of our moderate, disapproved, and a male-predominant, refined society, which doesn't permit women to settle on their own choices and force genuine outcomes if they do. And the short film depends on the genuine story of a girl named Saba, who runs from home with her fiancé to marry him, and her dad will not let her marry him. And after she flees with him and marries him, her father and uncle believe Saba act made them lose their respect in the public's eye, so they attempt to kill her. All right, one more thing, and it is for everyone. Please use the title of the film as often as you can. If you're not using the title of the film, then use the name of the director as often as you can, right? So switch between the title of the film, A Girl in the River, and director's name, Sharmaina Bachchanoi, or just Chanoi, to discuss whatever you are discussing, right? If you do this, you will write a better research paper, okay? Okay. And also, the proposal will look better if you are using this. So, because the two assignments are connected and exams are connected, so it's important that you understand the significance of using the title and director's name for presenting your work, okay? Okay, so the objectives are to examine the short film A Girl in the River and study women's rights of sexuality and picking the spouse of their choice. This research proposal will assist us with understanding the specific mentality of general public behind mistreating their women
and its motivation and impacts, and will also inspect a couple of Pakistani films and perceive how they shape the psyches of watchers to urge them to mistreat women. And the third one is to study the Islamic perspective, whether Islam permits women to choose their spouse or not. Questions are, why do women are not allowed to choose the spouse of their choice? How does society get affected when women are deprived their rights? Will be highlighted through the documentary film, Girl in the River, Price of Forgiveness. And what does Islam say about women's rights when it comes to choosing spouse? Research methodology. This research paper analyzes the content of documentary film, Girl in the River, The Price of Forgiveness, along with examining of scholarly paper related to women's rights in Islam and spouse selection of their choice. Significance of the study. This paper or this proposal will disclose the enduring women's experience, even in 21st century, the amount women need to battle to get their rights, what outcome they face when they request their rights, as if we're women being humans but not treated like ones. And the last one is, how our social orders abuse religion by misconstructing it to disregard women's rights. Coming up to literature review. Things are changing. The girls are becoming bolder. They are continuously taking steps and they are not afraid to die, was said by Mehnaz Rehman, who is the resident director of the Aurat Foundation. She also said that they know that they will be killed, but even then, they are taking these steps because they can't conform the value of their parents. These are the girls of modern age. From Islamic point of view, a woman has complete freedom to accept and reject any proposal presented to her. And moving forward to just one discussing one more thing, like, this is the position attested by numerous textual proofs that once a girl comes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and she asks her that her father wants to get her married to a man she dislikes, and on which what Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if you don't like him, then you don't have to marry him. So this is what is Islam says, or what if Islam reflects when it comes to women rights, that if a woman does not agrees or he is not giving her consent to marry somebody, nobody has the right to get her married to anyone, even her father. So even if that is a virgin, her father has to take her concern before getting her to marry with somebody. So I did examine this movie, which was released in 2007. And this is a pure example of what is happening in our society these days and what sort of mentality people has. It's a story of a man who lives in Britain for his entire life, marries a British woman, and when his daughter grows up and she demands to marry a man of her choice, he tricks her to bring her back to Pakistan with the promise that when they get back to Britain, he will get her married with him, with the man of her choice. But instead, what he does is he forcefully gets her to marry the man of her choice in Pakistan and her leave her there and then leave back to Britain. Future work. For future work, a qualitative and quantitative work can be done to take public opinion in women's rights of sexuality and spouse selection. That's it. Thank you. Do you realize the methodology is missing here? Yes. You started talking about it briefly, right? Yeah. Were you present in the first session during the lockdown? I was not in the first session. I uploaded that first session on YouTube.
आई थिंक आई ऑल्सो शेयर द लिंक, अगर आपने नहीं देखा हुआ आई विल शेयर द लिंक विद यू अगेन इफ यू हैवंट सीन इट. द मेथोडोलॉजी हैड सर्टन हेडिंग्स. यू हैव टू स्पीक अबाउट योर सैम्पल, सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, पार्टली यू हैव मेंशनड द थिंग्स विच वर एसेंशियल. You have talked about your objectives, you have talked about your questions. This part needed a bit of elaboration. What are you exactly examining? Are you examining the film A Girl in the River, or you are doing something else? Kya kar rahe hain? Look at your objectives and try telling me ki what exactly you will do to answer these questions. Okay. So what exactly I'm examining is what Islam has to say on women rights. If women are allowed to choose their spouse or not, because what I used in my research proposal is that using the film, that what her father says that Islam does not allow women to choose their spouse. So he uses certain phrases in the film. So using those phrases, I used this argument that he has this understanding that Islam does not allow women, but in reality he is misinterpreted of Islam, so by Islam. So that is what I'm trying to clear out things, that what Islam exactly says and what people understand that what Islam says. Okay, how many films will you use for answering your questions? At least two. And what are the titles of those two films? Like I have one now, like Khuda Ke Liye, aur uske alawa abhi there are like two more. I haven't done much research on them. All right, Saif, do you realize there is a film mentioned on this page? On which page? The page which is open. Girl in the River. Yes. Of course. I did examine it, as I said that I took a couple of phrases of this. The research paper and the research proposal primarily use A Girl in the River. ठीक है, क्योंकि आपका टाइटल कह रहा है A Girl in the River, The Price of Forgiveness, A Study of Women's Right to Sexuality and Spouse Selection in Pakistan, right? So basically everything will start here. You can certainly add Khuda Ke Liye, but you cannot forget A Girl in the River at any point. It's not required. You definitely discuss any other film, but yes, you can mention other films while discussing this one in your final exam. ठीक है? The final exam may, if you want to discuss A Girl in the River, and if you also want to discuss partly Khuda Ke Liye, and you are saying both films, one is a commercial film and the other is a documentary film. Agar aap ye keh rahe hain ki both films offer similar context and similar situations, etc., that is perfectly fine, right? Because dono films ki market bahut fark hai. One is reflecting on reality, actuality, and the other is a commercial film. तो दोनों का ऑडियंस काफ़ी फ़र्क है ना. एंड खुदा के लिए वॉज वेरी सक्सेसफुल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. पाकिस्तान वॉज फेसिंग डिक्लाइन व्हेन ऑल ऑफ अ सडन दिस फिल्म बिकेम पॉपुलर अमंग पब्लिक एट लार्ज. तो इस वजह से खुदा के लिए इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म एंड आई बिलीव पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन खुदा के लिए. लेकिन आपका ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट ऑन खुदा के लिए, दिस इज़ अबाउट A Girl in the River. This topic is focusing on reality. Because situations are similar, so you can continue comparing. Ye pura ka pura, it's not a paper at all, because the requirement was not paper submission, requirement was a research proposal submission. Theek hai? Let me ask others. Does anyone have any questions so far? Ji Saif, mujhe ab ye batayein, aapne isme method kaun sa use kiya hai? मेथड मैंने इसमें क्वालिटेटिव यूज़ किया. क्वेश्चनेयर बना लिया हुआ, लाइक आपने वो उसका वो सैंपल डाटा कलेक्ट कर लिया? नहीं, ये वो नहीं था, ये पब्लिक रिस्पांस वाला नहीं था. एनी अदर क्वेश्चन? तलहा,
Batul, do you have a question? No, ma'am. Saif? Ji. एक चीज जो आपसे और आई थिंक सुफियान ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड एंड एवरीवन एल्स कि प्लीज ये जो कोटेशन मार्क्स आपने इस्तेमाल किए हैं डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स फॉर द टाइटल ऑफ द फिल्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड राइट द टाइटल इन अपर लोअर एंड मेक इट इटैलिक्स ठीक है ओके As the deadline had passed, I have archived certain assignments, which means nobody should submit anything where it says archived. वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, no longer accepting. ठीक है? तो अगर आप वहाँ पे डालेंगे चीजें archives में, तो the things will be lost. मैंने वहाँ से archives में ये presentations आज खोली जरूर हैं. लेकिन ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है आर्काइव्स नो लॉन्गर चेकिंग एनी बहरहाल यू कैन एक्सेस आर्काइव्स आर्काइव्स में यहाँ पे आई हैव अपलोडेड रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च प्रपोजल कैन यू सी दिस सो आपके प्रपोजल में जहाँ पे आपने लिखा रिसर्च मेथोडोलॉजी यू कैन राइट इधर रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिजाइन एंड दिस इज हाउ इट वुड अपियर You will say you are qualitatively studying the film A Girl in the River. ठीक है? Okay. और दूसरी चीज आप लिखेंगे why you are studying it. So if you have any variables in your mind that are mentioned on the first page, if you go back to title page, यहाँ पे है women's right to sexuality. ठीक है? So right is one thing, sexuality is another thing, spouse selection is still another thing, right? इसमें आपको तीन elements कम से कम नजर आ रहे हैं, right, sexuality, spouse selection, and there is a fourth element also. Can you see what it is? It is forgiveness, right? So yes. Nobody forgives women if they want a spouse of their choice in Pakistan, right? So you would say that public at large does not forgive women if they ask for their right to spouse selection and sexuality. ऐसे ही है? जी. You can see that 4-5 different variables वो आपके title में भी नजर आ रहे हैं. It says method one public response to marital rape. आप public response तो study ही नहीं कर रहे. You just told Afroz that you were not studying public response. So आपको ये probably You do not require method one and you don't have to upload data in SPSS or use any test to study. ठीक है? क्योंकि आप quantitative study नहीं कर रहे. But here is another. It says the study of drama. In your case, it would be the study of the film A Girl in the River. आपसे मैं कही थी कि don't use quotation marks. आप ये देख रहे हैं कि रांझा रांझा कर दिया italics में लिखा हुआ है. Right? So you will use the study of the film. आप कहेंगे द स्टडी क्वालिटेटिवली एनालाइजेस द फिल्म अ गर्ल इन द रिवर और यहाँ पे लिखेंगे व्हाई बिकॉज यू हैड सर्टेन क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड तो इसको वन लाइन के बजाय 2-3 लाइंस बना दीजिएगा सो यू कैन इंट्रोड्यूस योर मेथड ठीक है यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है सैम्पलिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैम्पलिंग के ऊपर लिखा हुआ था मैथड वन एंड मैथड टू यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल वन एंड सैम्पल टू सो अगेन यू डोंट नीड सैम्पल वन You need sample two, जिस पे आप कहेंगे यहाँ पे sample two, a girl in the river, तो आप sample two के बजाय one ही लिखेंगे. Your sample is just the film that you are examining. Girl in the river के साथ अगर खुदा के लिए का comparison करना चाह रहे हैं, और if you want to see if both the films are showing similar stuff. और सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई यू पिक्ड अप दीज टू फिल्म्स सैम्पलिंग टेक्निक प्रोबेबली यू कैन फाइंड बोथ द फिल्म्स ऑन यूट्यूब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई एक्सेस्ड आई कलेक्टेड बोथ द फिल्म्स और आई वॉच्ड बोथ द फिल्म्स ऑन यूट्यूब फॉर एग्जामिनिंग दैम सैम्पल साइज आप यहाँ पे लिखेंगे अगर सिर्फ गर्ल इन द रिवर है तो यू वुड से कि सैम्पल साइज सैम्पल इज जस्ट वन फिल्म sampling distribution so it's extremely important ke if you missed this class you go back to assignment 6
बिकॉज इवन दो ये आपका ख़त्म हो चुका, इट सेज नो लॉन्गर चेकिंग, लेकिन आप प्रेजेंट आज कर रहे थे ना, आज आप प्रेजेंट कर रहे थे, तो इट वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू गो बैक टू द आर्काइव एंड सी के वॉट आई हैड आस्क्ड टू इंक्लूड इन द प्रपोजल, ठीक है? और उसके बाद आई थिंक कि आपके प्रपोजल में डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन भी नहीं था. वर यू प्रेजेंट इन लास्ट क्लास? I was, yes. अच्छा, क्योंकि लास्ट क्लास में couple of people had used a different heading instead of discussion and analysis. There were two proposal, जिसमें people used conclusion instead of discussion and analysis. तो मैंने उनसे ये कहा था कि proposal के ingredients में जो मैंने आप लोगों से proposal मांगा था, I had asked them के आपने significance of study बताई, literature review दिया. When I asked people to upload proposal, even that particular assignment says that the proposal should include the following headings. तो आपसे मैं सिर्फ ये कही थी कि there are certain headings missing here. I have shown you some. There were 2-3 more. I have mentioned analysis method. तो आप कहेंगे कि जी I am analyzing content of the film. Some people had included their tables in their presentations in the last week. So what I'm asking for was included in the tables. So otherwise, I think aapki, your approach is fine. I don't see a problem in the approach for writing the research proposal, but I do see ki there are certain headings which are missing and should have been included in the research proposal. Theek hai? तो अप्रोच इज फाइन. बहुत 2-3 हेडिंग्स आपकी रह गई थी, डिस्कशन एंड एनालिसिस, सैंपल साइज, सैंपलिंग टेक्निक, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. ओके जी, ऑलराइट. सैफ, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम, नॉट फॉर नाउ. जी रमला. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? यस मैम. मैं शुरू कर दूं? जी जी, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. Okay, so the topic of my presentation for this research proposal is 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi 2016, A Study of American Interest and Bloodshed in Libya. Starting with the introduction, this movie is based on the book of same title, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. It is based on the book of same title. This book is about a terrorist attack that happened on an American diplomatic compound in Libya on 11 September 2012 by Islamist militants. This incident occurred in retaliation for CIA's direct involvement in Libyan revolution to take down Muammar Gaddafi. Although it is based on a real incident, this movie still reflects American tactics to safeguard their interests, which were supremacy in oil and leadership control in Libya, by posing it as efforts in the benefit of Libyan interest and their role in Libyan civil war. This movie provides an in-depth analysis of American involvement in Libyan leadership control. My research proposal has 3 objectives. The first one is to contribute to the academic research on how Islamophobia and demonization of Muslims has been used as a tool to propagate the US as savior of Libya in the movie 13 Hours. The second objective of my research proposal is to study America's subjective representation in Libyan governance in their bilateral ties in the movie 13 Hours. The third objective is to examine the portrayal of Gaddafi's tyranny shown in the movie 13 Hours in comparison to downplaying America's benefit in toppling his regime under the light of accessible literature. Now I will explain the thesis questions of this research proposal, which are 4. The first one is, how is the demonization of Islam being portrayed in the feature film 13 Hours to highlight the concept of white savior?
Second question is how the Islamic practices are entwined with terrorism and anarchy in the movie. The third question of this research proposal is how does the movie 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi show economical and political relations of America and Libya at the time of first civil war and America's role in the rebellion. Fourth question of this research proposal is how Gaddafi's attempt to introduce unified African dinar could have disrupted the American currency helps to understand the cause of US move against Gaddafi as depicted in the movie. Now comes the methodology for this research proposal. This research is qualitative, and it will carefully analyze the movie 13 Hours in addition to examination of research papers and articles on the subject of Islamophobia, American interests, and its intervention in Libya to answer the proposed questions. Coming towards the rationale or significance, this research proposal will probe the history of US and Libyan relations to build the argument of American intervention in Libya for its personal gains. Also, it will discuss how America has used the medium of movies to depict their one-sided narrative of its war zone stories like it did in 13 Hours. In the section of literature review, I have mentioned all the heads that I have discussed in my research proposal, which I'll mention one by one over here. The literature that I have utilized for this case study is largely drawn from research papers and subject matter expert analysis. The first head is Society and Politics in Libya. In this section, this explains that majority population in Libya is Muslim, and how this identity, Islamic identity, has been used with terror attacks shown in the movie. Then comes the attack on US embassy and CIA outpost. This section shows one of the contributing reasons for assault on outpost was America's support to rebellion against Gaddafi. Next is US variable defense to intervene in Libya. This examines how US have struggled throughout to keep a uniformed narrative on its intervention in Libya. First, they said that they are doing the military intervention on humanitarian basis. Then they claim that Libya has weapons of mass destruction, and there was one more reason. None of it relates to the other. The next head is Islamophobia and Western depiction of Muslim world. This discusses the stereotypes about Arabs and Muslims. Then comes the African dinar and Libyan leadership control. It is about Colonel Gaddafi's attempt to ask for and gaining equal share in domestic oil production and his initiative about refusing the dollar and euro and introducing the gold dinar. Coming towards the conclusion, humanitarian concerns from US seems to be missing throughout the academic study and analysis which I have done. And this lends support to the argument that objectives for military intervention in Libya were money, power, and oil. That's all from my side. Thank you. Any questions? Saif, do you have any questions? Sufyan, Talha, Ahmed Masood. No, ma'am, no question.
पूछें क्वेश्चन, कोशिश करें। मैम कोई है ही नहीं ऐसा सच। एटलीस्ट कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन। मैम अच्छी थी, बस थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई थी इतनी बात मुझे, ड्यू टू कनेक्शन मेरा समय स्टेबल नहीं है इतना कनेक्शन, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आई कैन अंडरस्टैंड कि यू मिस्ड सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बट कुड यू सी द स्लाइड्स? यस मैम। आई एम शोइंग देम अगेन, जस्ट carefully go through them. Ji, do you have any questions or comments on the presentation? What is missing here? अफरोज़? यस मैम, एक्चुअली मैम कुछ चीज़ें मिस हैं, जैसे आपने पहले सैफ को भी बताया। जी बताइए। रमला ने भी मेरी तरह कंक्लूजन ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ डिस्कशन एंड एनालिसिस। ऑलराइट, सो व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड द मेथड ऑफ एनालिसिस? And what do you think is the difference between method of analysis and conclusion? Actually, ये वही वाली बात जो आपने पहले सैफ को भी बताई है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो जो हेडिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो भी नहीं है इसके अंदर, जैसे कि सैम्पल साइज नहीं है, और ऊपर करें ज़रा आप थोड़ा सा, इसमें सैम्पल साइज नहीं है और वैलिडिटी नहीं है। ऑफ कोर्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी नहीं है, सैंपल साइज भी नहीं है, मेथोडोलॉजी जो है वो असल में थोड़ी सी चीजें हुई हैं। रमला आप व्हाई डिड यू मिस द लास्ट क्लास? मैम आई वाजंट फीलिंग वेल दैट डे। सो यू मिस्ड ऑल द क्लासेस ऑन संडे लास्ट वीक? यस। Did you attend the class जिसमें मैंने methodology discuss की थी? How many classes you have missed since we started, you know, after the lockdown? Ma'am, I think the last one probably it was the only class that I missed. Achha, because Saif missed, I think, two classes. He missed the class in which I had discussed methodology and I showed methodology just now again. So did you see when I was going through methodology again this morning? Sorry, ma'am, please say it again. I said ke I went through assignment 6 that I have already archived. Right after the lockdown, we discussed methodology section in detail. And I had mentioned what topics to cover in the methodology section. So somehow I feel ke though you were present in class, you were probably not mentally present because you have missed all the headings here. Ma'am, I have added the headings in research proposal. The reason for not adding those all the headings in this these slides was the barrier of timing. That was 7 minutes, so I thought that that would be fine if I don't add all the headings from this proposal in these slides. My bad, I should have included all the headings. Proposal should be introduced in full, and the topics mentioned here are actually the topics that we probably discussed in February or perhaps in the first couple of weeks in March. Right now, April is ending. And by looking at the proposal, it seems that perhaps you are not aware what we did after fourth week of this course. So, isko to dekh ke yahi lag raha hai ki you are perhaps unaware what we are doing in this class. Those headings were absolutely essential for presenting the proposal. Had you included at least the table? Ma'am, kindly please tell me about the headings which you're
expecting me to add? No, I can't keep on repeating myself. If you were present even today, if you are mentally present even today, I went through the headings when I was... Ma'am, have you went through my research proposal, the actual proposal? Because in that, I have included all the headings that you have mentioned in this morning, previously. Data collection, analysis, discussion, validity, sampling. I have added all that in my research proposal. Ramla, but I'm saying that I have not added these headings in my slides. I am not discussing any written work today. We are only discussing the presentation today. Okay, ma'am. All right. This presentation is incomplete because it lacks certain elements. Your proposal lacks certain elements, which were absolutely essential for presenting the proposal, right? Acha, can you tell me the difference between thesis and questions? Why are you saying thesis questions? So how come these are thesis questions? That's my mistake. It was supposed to be thesis statement / questions. Okay, what is the difference between the two? Ma'am, it tells about the questions that you have proposed for doing your research. Both of these words, thesis statement or questions. This is not what I asked. I asked, what is the difference between thesis statements and questions? What are thesis statements and what are questions? Thesis statements are specifically for the purpose of research, and questions could be like any question. No. I'm asking for definition of the two. What are thesis statements? Ma'am, I might not be able to tell you in the proper words, like as in definitions. I'm sorry. You are unable to answer this question. Thesis statements is something that I discussed both in media theory class and research methodology class, because even in media theory class, you could not write your research paper without any of these two things present in your paper, right? Even the research paper will include either a thesis statement or a research question, and research proposal will also include any of the two. So this is preliminary requirement for starting writing your research proposal, because unless you have some thesis statement in your mind or you have research questions in your mind, you cannot write either. You cannot write your research proposal or your research paper without having these two things or any of the two things in your mind. Okay? Okay. All right. अब आपके आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर मिसिंग. कैन यू टेल मी व्हाट आर द लिमिटेशंस टू योर स्टडी? It's totally qualitative. And how is qualitative research a limitation? How that research, you know, imposes limitations on your work? Um,
Since you write all of it theoretically, there are chances of mistakes. I think it involves your personal bias. How would you validate this study? Is your study reliable? Yes, ma'am. How? Because I can't see a heading, validity and reliability, here. And if you have a heading somewhere else, you can actually look at your work and answer my question. How will you determine that this study is valid and reliable? Okay. Mm-hmm. Can you answer my question? Yes, ma'am. आपने जो चीज लिखी मैम इन योर प्रीवियस लेक्चर व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जस्ट टॉक अबाउट योर स्टडी हमें वो लेक्चर के पॉइंट्स तो अभी नहीं चाहिए ना वी आई जस्ट वांट टू नो इफ योर स्टडी इज वैलिड एंड रिलायबल मैम इट हैज कंटेंट वैलिडिटी एंड क्यूमुलेटिव वैलिडिटी हाउ That I explained in the other document. No. I don't want to know what is written in the other document. I want you to answer my questions here. I don't want to look at any document. This is a chance to present your work. I want to hear from you right now. और जो चीजें आपने लिखी हैं, वो चीजें आपको याद तो होनी चाहिए ना? What you have written, right? So basically, you should know if your study is valid and reliable, and it seems के आपको याद नहीं है और यू हैव नो क्लू इफ योर स्टडी इज वैलिड एंड रिलायबल ओके लेट्स गो टू लिटरेचर रिव्यू आपने इन दिस सेक्शन आई लाइक के आपने यू हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट हेडिंग्स राइट बट यू हैव नॉट मेंशनड एनी सोर्सेस हियर ओके So I have a specific question. How many times was US Embassy attacked in the past decades? In Libya, right? Anywhere in the world. If you have reviewed literature and if you have created this subheading, you would know the answer to my question. Ma'am, as per my knowledge, I only know about the attack that happened in Libya, which they have shown in the movie. Okay. And anywhere else in the world, I don't remember about it, even if I have read. All right. Can you give me names of couple of authors whose work you examined under this heading, Society and Politics in Libya and American Intervention? Society and Politics in Libya. Hafizullah Imadi. All right, where is this guy based? Ma'am, I need to check that. I don't remember. All right. Any other name? Any other name? That I don't have mental notes for all this. All right. Any other name?
other name for? For this particular topic, for this heading, any other name apart from a Muslim name? Okay, it's absolutely important that you are reviewing literature from academically advanced countries, apart from the literature from the country that was attacked, right? Or I can understand the name that you mentioned may have examined the situation, but it's very important that you also examine work by others so you can analyze the truth. or you can analyze different voices towards certain topic, okay? So literature review here lacks names of people who have been talking about this topic. The topics which are relevant to your research: American interest and bloodshed in Libya. I think I have mentioned at various points that when you discuss even 13 hours qualitatively, you must look at American interest in Libya over a period of time. Your paper and proposal require both. Okay? Ji, Dr. Saab, koi comment hai aapka? Dr. Saab, ye jo aapne cheeze point out ki hai, ye badi significant hai. मैं समझता हूँ कि वो दोबारा से अगर वो रिवाइज कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। So you basically agree कि proposal part में we needed all those things that are missing। जी बिल्कुल ऐसे। Okay, thank you, Ramla. Thank you, ma'am. Ahmed Masood, Ali Haider. Yes, ma'am. Batul. Present, ma'am. Farooq. Afroz. Yes. Muhammad Ali. Yes, ma'am. Muhammad Ali 119. Present. Basit. Yes, ma'am. Nibras. Ramla. Present. Seth. Sufyan. Nabi Ahmed. Tamur Kiani. Yes, Dr. Saab, present. Talha Bhatt. All right, Muhammad Ali, should we go to your presentation now? Ji, yes, ma'am. Ji. I used his male peer around the woman and the lady. There has been several studies across the Pakistan on the agenda of women in government and in sports agency. Social researchers are largely ignored by the problem of women care about the women in government and sexuality. Mere Paas Tum Ho is one of the famous drama serials. It has been highly controversial among people in Pakistan. मेरे पास तुम हो ट्रैक्टर बाय नवीन दे एक पॉपुलर सीरियल एयर ऑन ए आर वाई डिजिटल टी वी प्रोडक्शन उस पर एन इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग डिस्कशिंग ऑन मेल फियर अराउंड द वुमन एंपावरमेंट एक्चुअलाइज इन पाकिस्तानी सोसाइटी इन दिस कंटेस्ट एम्पावरिंग वुमन एंड देयर रिलेशनशिप बेस्ड बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ वुमन हैविंग सेक्स in a complex, multi-faceted and a controlled social issue. Mere Paas Tum Ho, the whole story of this drama is based on the main fear around the empowerment and sex rights of women. In this drama, then Mamish, she was very talented for Europe and expressed her desire before the Jawar, played by Ibrahim. She has started a pure relationship with her husband. And another famous dialogue in this drama, Dara says,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता एंड मैं रिप्लाइड हिम मगर मैं तो रह सकती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रहना चाहती हूँ दिस एलोकेशन दैट मैं नहीं कर शादी में तो डिवोर्स होती है पर मोहब्बत में नहीं होती दिस इज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल इशू एंड मैमश इज कॉन्फिडेंस वुमन हु डिमांड हर हस्बैंड टू डिवोर्स इन दिस रिगार्ड Clearer Mark our interview with Marvi Sarwar in which Marvi Sarwar said my body is my well and Clearer Mark Kamar said that I will not sit on your body. Or smart. This is a very sensitive issue and nowadays in a very high light that women have come out in the field for their right and own marriage it. The woman Marriage has also been celebrated with loud, loud. There was two who tried this issue. Why mom, why man? Yes, around the world in empowerment and speculating. Therefore, for women empowerment needs to change the thought of men. According to the holy woman, give me an education, mother, I said, Thomas. Thomas, you to birth in civilized education nation. Father Hassan Manto, a man, male, a man, no matter how poor his contact in woman, even if he were to graduate from one instant from the role given to her by men. She invented a war. She wrote with the low standard content. Society closed on our doors is pleased as a father man trained by the same. But Baba reasons, why are our gods reserved for the women? In this Pakistan, once 3-1 million young and adolescents got out of school. Some issues in our Pakistan is very, very, very difficult. Child marriage, boys' education, giving priority, poverty, distance to school, not safe, not enough female teachers looking after the younger sibling already working. According to UNESCO report on the globalization, rate of Pakistan is 58%. But according to Islamic Republic country, the constitution of Pakistan recognizes the equality between men and women. According to Article 25, Section 2, states that there is no discrimination based on sex. According to Islamic religion, ilm hasil karna har Musliman par farz hai. My studies made fear about women, sexuality in the Pakistan context, adopting a procedure, quantitative methods such as a drama, mere paas suno, and a qualitative method such as asking a questionnaires of 30 male and 30 female in the social media. And in this context, the theory used are feminist theory is the extension of feminism into the theoretical, functional or philosophical discourse. It aims to understand the nature of gender inequality, gender women and women's social role, experience, interest, chores and feminist. Policy is a variety of fields such as communication, media study, home economic, literature, education, research, the policy, the fact can be used
ट्रायंगुलेशन ऑफ मैथड विच आर नॉट सो फॉर ड्रामा मेरे पास को एंड सर्वे ऑफ द पब्लिक एट लार्ज पाकिस्तान वेल मेन एंड वुमेन वो वर टोल्ड पार्टिसिपेंट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम एनी सेक्टर टू ब्रिंग वेरिएशन इन द सैंपल ऑलमोस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स वर सिलेक्टेड एज अ सैंपल ऑफ द स्टडी 25 क्वेश्चंस completed by working male and female participants were being contacted through social media to determine if they are agonists to complete questionnaire and content analysis of supply merit to objective in this context my objectives are to study of male peer around women empowerment mere paas to study male peer around women sexuality as show mere paas to the first question in this content mere paas to show male peer around women empowerment mere paas to show male peer around women sexuality men are rapper women are rapper men in mere paas to instrumentation. Two types of instrument will be used to collect data. One is drama, mere paas to know, and second public at large and social media. Third is public at large. Content analysis, drama, mere paas to know, validity and reliability. Is the instrument validity and reliability of this consent is very difficult for the project to highly support in future studies among Pakistan. There are data collection will be analysis. Analyze largely for the participation of data and stressing and understanding the data. The data has to be tested against variance scale such as reflected scale and the leaked scale data analysis. SPSS would be used and also would be tested cardinally. Limitation. One of the key limitation of the study is out of the lady population of Pakistan and they are highly and data on the number of ladies who are working in part public and private sector. As a result of the supply of proper data, driving and honest sampling would be one of the foremost. Thank you. Very nice. Ji. Thank you, ma'am. Ji, Ali Heather, Afroz, anyone else? Jiska similar topic tha mere paas tum ho. Batul, aapka zara different tha, but I would like to hear your comment also. मैम प्रेजेंटेशन अच्छी थी एलिमेंट सारे थे बस एनीथिंग एल्स अफरोज यस मैम इन्होंने तो काफी ज्यादा चीजें ऐड की वो खलीलुर रहमान का इंटरव्यू विद क्या नाम था उनका मारवी और डिफरेंट इन्होंने ये अच्छा अली भाई मुझे आप ये बताएं ये जो आपने 58% लिखा था मैम आप उस स्लाइड पे जा सकती हैं आई थिंक ये वाला यस ये जो लिटरेसी रेट है 58% ये आपने कहाँ से कंफर्म किया इस साइट से कंफर्म किया यूनेस्को की साइट से जी 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 मैम ठीक है Any other question? No. Muhammad Ali, how many days did it take to prepare the presentation? Pura week hi laga, ma'am.
हाँ, इसको देख के लग रहा है कि यू बीन वर्किंग ऑन इट फॉर एवर एवर एंड एवर. तो जी मैम. बिकॉज आई सी के यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर इमेजेस. आई डोंट सी एनी स्लाइड फ्री ऑफ इमेजेस. सी, जी. सो ओके, गुड. आपको थैंक यू मैम. एटलीस्ट एटलीस्ट यू नो, हमने आपको आपको ग्राफिक डिजाइन तो नहीं पढ़ाया, बट वी लॉन्च्ड यू इनटू फाइंडिंग इमेजेस फॉर योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू. ठीक है. दिस रिमाइंड्स मी अ फिल्म. जी डू यू नो द टाइटल ऑफ द फिल्म? जी मैम. डू यू नो विच फिल्म इट रिमाइंड्स? इट्स अ हॉलीवुड फिल्म. नो मैम. दिस इमेज रिमाइंड्स इनडिसेंट प्रपोजल. थैंक यू मैम. और आई थिंक विजुअल वर्क इन योर प्रेजेंटेशन इज जस्ट वेरी इम्प्रेसिव. थैंक यू मैम. ठीक है. थैंक एंड इट ऑल्सो यू. शोज के हाउ मच यू वर कमिटेड टू राइटिंग योर प्रपोजल, बिकॉज यू ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इशू एंड यू ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड इमेजेस एंड यू ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ लिटरेचर विच इज रेलिवेंट टू द स्टडी. तो फ्रॉम मंटो टू नेपोलियन देर आर वेरियस पीपल दैट यू हैव मेंशनड एंड यू हैव ऑल्सो मेंशनड यूनेस्को एक्सेट्रा. तो इट जस्ट शोज डेप्थ ऑफ लिटरेचर रिव्यूड फॉर राइटिंग द प्रपोजल. थैंक यू मैम. ठीक है जी. कोई क्वेश्चन है किसी और का? सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रपोजल. नो मैम. ओके, मोहम्मद अली 119. यस मैम. प्रपोजल अपलोड नहीं किया? नो मैम. आपने जो लिखा था वो है आपके पास? जी मैम. मैं कह रहा हूँ जिसमें आपने गलतियां पॉइंट आउट की थी. इट्स परफेक्टली फाइन के गलतियां पॉइंट आउट की थी. इफ यू हैव अटेंडेड द प्रेजेंटेशंस लास्ट वीक एंड इफ यू हैव अटेंडेड द प्रेजेंटेशंस दिस वीक, यू वुड अंडरस्टैंड कि जो गलतियां तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बिकॉज इफ वी पॉइंट आउट मिस्टेक्स. आपने देखा कि जब मैंने बतूल को फ्रॉम टाइम टू टाइम आई टोल्ड हर टू एड्रेस दिस इशू दैट इशू दिस इशू दैट इशू, बतूल ने कितनी मेहनत की उन तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करने में. मोहम्मद अली ने अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दी, उसमें ना सिर्फ ये कि मेहनत की इन यू नो एड्रेसिंग ऑल दोज पॉइंट्स, बाकी सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अली खान ने, अहमद मसूद ने. इफ़ यू हैव अफरोज, इफ़ यू हैव हर्ड देयर प्रेजेंटेशंस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आई हैड इनिशियली आइडेंटिफाइड थिंग्स इन एवरीबडीज प्रपोजल दैट नीडिड इम्प्रूवमेंट. ठीक है. तो वो गलतियाँ आप उनको ना समझें. टेक इट दिस वे कि आई वॉज टेलिंग यू टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन योर प्रेजेंटेशन, बिकॉज इफ यू टेक योर प्रपोजल टू रिसर्च कमिटी और बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड बोर्ड ऑफ फैकल्टी, दे विल डेफिनेटली आस्क यू ऑल दोज क्वेश्चंस. सो इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट के बिफोर यू टेक एनी ऑफ योर प्रपोजल टू बोर्ड, I ask those questions so you are basically ready to answer questions of the board. I understand that many of you do not want to opt for research thesis, but please understand most of you have written fairly good research proposals, which means if you keep your proposals with you, you can use your proposal in future for your PhD research if you don't want to opt for MS thesis by research at present. तो चीज़ों का मकसद गलतियों को बताना, उसको गलत कहना नहीं था. ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक करेक्शन ऑन ऑल दोज पॉइंट्स, बिकॉज वेन पीपल हियर योर प्रपोजल दे डू आस्क ऑल दोज क्वेश्चन. तो ये बड़ा ज़रूरी था कि बिफोर वी टेक इट फॉरवर्ड वी एड्रेस दोज थिंग्स राइट हियर. और अभी जो हमने बोर्ड ऑफ फैकल्टी किया आपके सीनियर बैच का, द बोर्ड डिड आस्क वेरी सीरियस क्वेश्चंस फ्रॉम योर सीनियर्स. बोर्ड आस्क देम इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर पायलट स्टडी. बोर्ड आस्क्ड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रपोजल विच वाज बियॉन्ड द आइडिया बिहाइंड रिसर्च.
तो बोर्ड ने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इवन इन केस ऑफ प्रोजेक्ट थीसिस बोर्ड केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट स्टोरीज. हाउ विल द स्टोरी डिवेलप, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. बोर्ड वांटेड टू नो द लिस्ट ऑफ इवेंट्स, सजेस्टेड इवेंट्स फॉर योर प्रपोज्ड थीसिस प्रोजेक्ट. तो ये बड़ा जरूरी था. मैं आपको गलतियाँ नहीं बता रही थी, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू टू फाइंड आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट the board could ask from any of you. So if you have your research proposal with you in written form, I would suggest ke aapne usko rewrite to kuch kar liya tha na, there were certain sections that needed rewriting. Main introduction uska dobara likha, aapne abhi dekha, aapne you know three people have discussed proposal even today. I think you missed the last classes, did you? No ma'am, हाँ, वर यू प्रेजेंट इन लास्ट क्लास? अच्छा, अगर आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे तो यू डेफिनेटली नो व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स आई हैड गिवन ऑन एवरीबॉडी एल्सेस प्रपोजल्स. तो अगर मैं आपका प्रपोजल रिटन फॉर्म में खोल लूँ, इस वक्त वट एवर आई हैव इन गूगल क्लासरूम, इफ आई ओपन इट फ्रॉम देयर, डू यू थिंक यू कैन प्रेजेंट योर प्रपोजल फ्रॉम वर्ड फाइल? मैम बेहतर होगा कि अगर अगली क्लास में, मतलब एंड में आप प्रेजेंटेशन दे दें. देखिए, मैंने मेरे लिए अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास है, इफ यू नो. तो हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लास्ट क्लास में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा टू इवन गिव अ चांस फॉर अनदर प्रेजेंटेशन. आप देख रहे हैं कि इट सेज नन आफ्टर अप्रैल 19, because there are certain activities that we shall complete. वैसे तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको you would see कि हमने we have covered almost every topic that was needed to be covered in this course, right? अगर last class में जाएंगे तो यहाँ पे फिलहाल it is saying के 4 people missing, आपका, बासित का, निब्रास्का और तलहा का. अच्छा, अब ये है कि निब्रास शुड ऑल्सो प्रेजेंट समथिंग, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट आइडियाज ही हैज़ बिहाइंड दिस क्लास. बासित, आई थिंक कि बासित को भी आज प्रेजेंट कर देना चाहिए था. मेरी ज़्यादा कंसर्न है आपके लिए और तलहा के लिए, बिकॉज आई रियली वांट टू हियर योर प्रपोजल्स, पर्टिकुलरली पीपल हु डिड सबमिट मिड टर्म. आप दोनों ने मिड टर्म जो है, आप दोनों का मिड टर्म आई एम श्योर कि वो रीजनेबली इट वाज फाइन. जो मैंने आपको करेक्शंस बताई थी वो दे वर प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट्स यू नो फॉर योर वर्क. तो ये बड़ा ज़रूरी था कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका मकसद आपको, व्हेन आई लुक एट योर वर्क इट डजंट मीन कि मैं आपको पिनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. I just try कि आप इन parts को improve कर लें, and it's absolutely important to meet deadlines. आपकी last class में मैंने mention किया था कि people who do not complete their MS degree in 2 years are disqualified for 2 things. They do not get gold medal if they are submitting, if they are top of the class, and they also do not get distinction if they have submitted best thesis. ठीक है, इस प्रपोजल को आई हैड स्प्लिट इनटू 8 smaller 8 shorter असाइनमेंट्स. उसके बाद आई आल्सो आस्क्ड कि आप प्रपोजल अपलोड करें बिकॉज आई वांटेड टू सी एवरीथिंग इन वन प्लेस. तो ये बड़ा ज़रूरी था. मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि ट्राई प्रेजेंटिंग फ्रॉम योर वर्ड फाइल, और जो चीज़ें मेथड वाले सेक्शन में हैं यू कैन talk about them even if they were not present in your midterm exam. तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, should I open it from there? मैम अगर जो next class में एक chance आप दे देती 5 मिनट का, मैम उसको एक बार review go through से मैं कर लेता properly. अच्छा, क्योंकि आपने काम टाइम टू टाइम सबमिट किया है, तो जिसने डेडलाइंस मीट की हुई हैं उसके लिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ, यू नो, बिकॉज आज की डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए थी. आप लोगों ने एक्सचेंज कर ली है आपस में? मैंने आपसे कहा था कि
exchange your presentations. Yeah. I had created pairs of students who were going to exchange the presentations. तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप एक्सचेंज करें तो सीसी में मुझे रखें प्लीज, ठीक है? मैं बिल्कुल रखा है आपको, आपको मेल भेजिए। ऑलराइट मैम, गूगल क्लासरूम में मैंने तो सबमिट करवाई है। अच्छा, मेरी भी आपको, मैंने भी गूगल क्लासरूम में। अच्छा अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने गूगल क्लासरूम में डाली। आई हैड आस्क्ड कि आप उसको एक्सचेंज करें। आई हैड क्रिएटेड पेयर्स, आपको मैं दिखा देती हूँ आपसे पीयर रिव्यू के लिए। डॉक्टर साहब, मैंने यहाँ पेयर्स बनाए थे, और अगर आप इसकी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस देखें तो ये इंस्ट्रक्शंस कह रही हैं कि अहमद मसूद और अली हैदर एक्सचेंज करेंगे, और बतूल विल एक्सचेंज विद सैफुल्ला, फारूक विल एक्सचेंज विद सुफियान लियाकत, मलिक अफरोज एंड तलहा बट। तो वो अफरोज मुझे यही बता रहा था कि उसने और तलहा ने एक्सचेंज की, बिकॉज आई रिसीव्ड एन ईमेल जिसमें इन्होंने मुझे सीसी करते हुए एक दूसरे को मुझे ईमेल में रखा था। और मैंने आपको ईमेल कर दिया। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज रिव्यू हर सूरत अपलोड करना है, तो एक दूसरे की प्रेजेंटेशन को देख के आपने पीयर रिव्यू अपलोड करना है, और अगर किसी ने एक्सचेंज नहीं की तो फिर आई वुड सी के आप उसको कैसे उसको करेंगे। आप लोगों ने आज देख तो लिया है एक दूसरे की प्रेजेंटेशन, यू हैड सीन। मैम, बासित की प्रेजेंटेशन हो गई है? बासित से पूछे ना आप, बासित से मांगे। मैम, आपने मैं मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी नहीं है वो। नहीं, जब आप ये देखें, जब आप बीएनयू की ईमेल से लिखते हैं बासित, तो ये बासित खुद ब खुद आ जाता है। यूज योर बीएनयू ईमेल एड्रेस। ओके ठीक है, सो थैंक यू। मैम, वो मुझे निब्रास आपने दिया हुआ था, निब्रास जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल में वो अपनी लिखी भी नहीं है, तो प्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं आपको समझ पाई। नो, मैंने आपको सिर्फ निब्रास नहीं दिया था, मैंने मैम अली की तो मैंने भेज दी आपको। हाँ, आप मेल चेक कर लें। ठीक है, आपको प्राइमरीली मैंने मोहम्मद अली असाइन किया, और डॉक्टर कियानी को भी मोहम्मद अली असाइन किया। यू कैन सी कि यहाँ पे आई हैव असाइंड Nibras to two of you. मैंने कहा कि both of you should look at his work because I think he needed more help. सुफियान के बारे में मैं ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं थी because सुफियान studied these things at undergrad level. जिसने undergrad में इनको पढ़ा, I was somehow sure कि he will manage the work because he studied these things at undergrad level. तो लेकिन निब्रास को आई थिंक ही नीडेड मोर हेल्प, दैट्स व्हाई आई थॉट के टू पीपल, आई थॉट यू योरसेल्फ एंड डॉक्टर कियानी कुड हेल्प हिम अ बिट इन कंप्लीटिंग हिज प्रपोजल। अगर वो आपसे 6-7 स्लाइड्स ही बनाने थे, द स्लाइड्स नीडेड योर की हेडिंग्स जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डिस्कशन एंड एनालिसिस मैथड, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये 5 तो डेफिनेटली होने चाहिए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी चीज़ें थी, यू नो, लाइक द इंग्रेडिएंट्स दैट आर एसेंशियल। आई डिड नॉट आस्क यू टू एक्सचेंज योर रिसर्च पेपर्स और प्रपोजल्स, आई आस्क यू टू चेंज योर प्रेजेंटेशंस ओनली, बिकॉज आई डिड नॉट वांट दैट एनीवन एक्सचेंजेस डिटेल्ड प्रपोजल विद द अदर। मैम, तलहा जस्ट टर्नड इन द असाइनमेंट, आप वो चेक कर लीजिएगा क्लासरूम। हाँ, लेकिन उसकी अपनी आवाज कहाँ चली गई? मैम, वो भी आ जाती है, बस वो फेसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज। जिस दिन मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगती हूँ सब टेक्निकल डिफिकल्टीज का शिकार हो जाते हैं। मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो प्रेजेंटेशन दी थी और सबका है। कोई बात नहीं, आप आज किधर थे सुबह से? मैम, जो मैम आपको मैंने 7-6 बजे मेल किया था पीयर रिव्यू, तो वो मैं आई ओवरस्लेप्ट, तो वो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अहमद मसूद? यस मैम। अली हैदर? यस मैम। बतूल? जी पहले मैम। फारूक हसन खान? यस मैम। अफरोज? यस मैम।
मोहम्मद अली यस मैम मोहम्मद अली 119 यस मैम बासित यस मैम ओके निब्रास रमला यस मैम सैफुल्ला यस मैम नबी अहमद यस मैम तैमूर कियानी यस डॉक्टर साहब प्रेजेंट तलहा भट्ट आर यू हियर सुफियान यस मैम सो आई कैन सी योर टूल स्ट्रक्चर एंड डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड हियर यू नो तो आप चाहें तो एक लाइन में या ब्रीफली यू कैन ऑल्सो मैंशन आपने सोर्सेज तक बता दिया यू कुड ऑल्सो से कि जी यू आर यूजिंग कॉन्टेंट एनालिसिस मैथड फॉर एनालिसिस ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ फिल्म द मिनट यू से दिस आपका जो प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीट हो जाती हैं ठीक है तो आपने सोर्स तक मैंशन किया इफ़ यू ऑल्सो से दैट आई विल बी यूजिंग कॉन्टेंट एनालिसिस मैथड फॉर एनालिसिस एंड डिस्कशन It will complete your proposal requirements. Okay, ma'am. This documentary film is based on a girl from Gujaramala. Her name is Saba, and she was victimized by her father and her uncle when she refused to get married to a person they wished. And she actually eloped with her fiancé and she got married to him. But her family didn't like that, and they went to her in-laws to bring her back. And while they were way back to their home, they attempted to murder her, but somehow she resisted, and she was succeeded to wrestle the gun away. But the gunshot left a deep cut or a severe injury on her face, and she also filed a petition against them, but she gave up on justice just because of the societal pressure. My objective is to examine the documentary A Girl in the River to find out if the women have a right to sexuality and spouse selection in Pakistan, and to highlight the reasons why women give up on justice, and to highlight the causes that make men suppress their right to sexuality and spouse selection in Pakistan. Significance of the study: the suppression of the women's right to sexuality and spouse selection is one of the major reasons that leads towards honor killings, and there are hardly few people in Pakistan that would like to be a part of discussion in favor of women's right to sexuality and spouse selection. The study of women's right to sexuality and spouse selection is necessary to alleviate and to eliminate the fear of male members of the society in Pakistan that provokes them to violate women's right to sexuality and spouse selection. Discourse of women's right to sexuality and spouse selection becomes more important in a society where it is misused by men at large to settle their personal disputes in the society. Now I'm coming up towards the literature review. I would like to reference only a couple of them. Let's start with the middle one. According to anthropology, culture takes its form from different elements such as people's beliefs, knowledge, behavior, and products. Anthropological studies shows that sexuality biologically remains constant, but the sexual behavior and meaning of sexuality differs in societies and cultures. Therefore, sexuality can be studied and understood better by the perspectives given by anthropology, study of cultures and societies. Bermaki says that in patriarchal societies, men's status in the society is maintained by sticking to the norms of honor, while the women's status in the society is maintained by their sexual purity. Therefore, men in the societies where patriarchal system is prevalent
male members of the society practice violence against women's right to sexuality and spouse selection to protect their own status. This study is limited to the content of documentary film A Girl in the River, and this is based on only one case, Saba's case. This is the only case that has been discussed in this, that has been portrayed in this documentary film. Theoretical framework. Agenda setting theory is basically a theory of strong media effects, which says that there are three related agendas, as media agenda, public agenda, and policy agenda. This suggests that with time, media agenda becomes public agenda and they are linked together. The documentary film A Girl in the River has given voice to an issue that people don't like to discuss in general. This could be a source to initiate discussion and to help people form their opinion in Pakistan. Moreover, it is limited to just Saba's case and portrayed in a manner that misrepresents the overall culture of Pakistan. So the people outside Pakistan will form a different opinion about Pakistan. Rationale: women's right to sexuality and spouse selection is being suppressed from ages in patriarchal societies. Patriarchal system prevails in Pakistan and in most of the sections of society. Right to sexuality and spouse selection for women is considered a sin. That is the reason most of the people don't even report such cases. A Girl at the River has given a voice to the issue and has brought forward how it may feel from a woman's perspective. Research methodology. The content of documentary film A Girl in the River will be analyzed. Apart from this, news reports on this case as well as other similar cases from 2015 onwards will be analyzed. The research will use available research articles on honor killings, women's right to sexuality, spouse selection, patriarchal system, and women's right in Pakistan. I'm using qualitative method with inductive approach, and the sample of this research is documentary film A Girl in the River. Discussion and analysis. The law provides protection toward women's right to sexuality and spouse selection. Suppression of women's right to sexuality and spouse selection is caused due to the culture and societal pressure. Society encourages suppression of women's right to sexuality and spouse selection. G questions? Muhammad Ali 118. अगर क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट. सुफियान ने सभी कुछ मैनेज किया, बता दिया जो जो चीजें चाहिए. ओके, कोई कमेंट है अहमद अभी? नो कमेंट, बस यही है कि अच्छी थी तो अप्रिशिएटेड. जी बतूल. मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि थीसिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि डज द लॉ प्रोटेक्ट वुमेन राइट टू सेक्सुअलिटी एंड स्पाउस सिलेक्शन इन पाकिस्तान, तो इसके लिए सोर्स में आप क्या सुफियान इसके लिए लॉ का वो आर्टिकल स्टडी करेंगे क्या? आगे सोर्स उसका गर्ल इन द रिवर है. यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैं समझ नहीं पा रही. पाकिस्तान में लॉज हैं जो कि राइट टू स्पाउस सिलेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन के परस्पेक्टिव से. और रिसेंटली जब कंदील बलोच का केस हुआ था तो ड्यूरिंग द केस कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस जो है आई है कि पहले ये होता था कि फैमिली जो है वो किसास और दियत के तहत जो है वो एक फैमिली मेम्बर ने अगर
मर्डर जो है कमिट कर दिया, तो बाकी फैमिली मेंबर्स जो होते थे वो उसमें जाके फॉरगिवनेस जो है वो दे देते थे और बंदा जो है वो रिलीज हो जाता था। लेकिन अब जो कंदील बलोच के केस के बाद इसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की गई हैं जिससे कि अगर कोई बंदा जो है इसका मतलब उसने ये कमिट किया मर्डर या ऑनर किलिंग को लेकर के कोई कुछ ऐसा किया है तो उस पे जो है अब रिलीज नहीं हो सकता कोई भी जो इसका। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप जिस तरह ये पीपीसी का सेक्शन इसको आप स्टडी करेंगे इसमें, तो इसके सोर्स में आगे मैं ये कंफ्यूज हो रही थी कि आपने अगल इन द रिवर लिखा हुआ है कि उसका आप एनालिसिस करेंगे। जी बिल्कुल, गर्ल इन द रिवर को एनालाइज करूंगा और उसमें जो भी उस टाइम पे लॉ था और उसको एनालाइज करूंगा। बिल्कुल। ऑलराइट, सो यू आर बेसिकली सेइंग कि यू विल यूज व्हाटएवर ऑर्डिनेंस और लॉ वाज देयर एट द टाइम एंड यू विल यूज द फिल्म लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स फॉर राइटिंग योर final thesis. Is this what you are proposing? Yes, ma'am. अच्छा, चले वो agenda wise तो it sounds all right, क्योंकि आप फिर यहाँ sources में यहाँ पे you can perhaps include जो भी ordinance या laws हैं। जी, any other comment? Ali Khan, Ahmed Masood, कोई comment है? Okay. अच्छा सुफियान, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये तो आप लुक एट योर थीसिस स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। को डिड आई सेंड यू इमेजेस ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम? नो मैम। ओ आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने सबको भेजी थी और इफ आई हैव मिस्ड योर्स फॉर एनी रीजन, मैं अभी दोबारा देखती हूँ कि व्हाई आई मिस्ड इट, बिकॉज आई थॉट कि आई हैड सेंट एवरीवन इमेजेस ऑफ द एग्जाम। अच्छा, आपका जो मिड टर्म एग्जाम था उसमें भी आई वॉज लुकिंग एट सिमिलर क्वेश्चंस। आपको चाहिए था कि आप मुझसे एक दफा पूछ लेते फॉर इफ फॉर एनी रीजन यू हैड नॉट रिसीव्ड देम। कुछ लोगों की तो मैंने इवन आतिर को भेज दी थी बिकॉज ही मेंटेन्स अ फोल्डर ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, कुछ को मैंने डायरेक्ट भी शेयर कर ली थी। आपको मैं अभी भेज देती हूँ वो, बिकॉज जब आप अपना फाइनल रिसर्च पेपर अगर आप इसी चीज को लिख रहे होंगे तो आपको शायद थोड़ी सी वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। आपके मिड टर्म में आपके क्वेश्चन पे आई हैड आइडेंटिफाइड करेक्शंस, ठीक है। आपने कहा डज द लॉ प्रोटेक्ट विमेन्स राइट टू सेक्सुअलिटी एंड स्पाउस सिलेक्शन इन पाकिस्तान, तो आपने तो अभी मुझे खुद बताया कि लॉ प्रोटेक्ट्स विमेन, डिडंट यू से इट योरसेल्फ? यस मैम, आपने खुद कह दिया। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस एंड नो, राइट? सो आप जिस क्वेश्चन का जवाब आपके अपने पास मौजूद है कि इसका जवाब है यस एंड नो, तो इट मींस कि ये रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हालांकि बाकी सारा जो आपने प्रेजेंटेशन दी, इट वाज वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी नाइसली हैंडल्ड। तो क्वेश्चंस वाले पार्ट में डज द लॉ प्रोटेक्ट्स विमेन राइट टू सेक्सुअलिटी एंड स्पाउस सिलेक्शन इन पाकिस्तान, इसका जवाब तो आपको कोई भी दे देगा यस एंड नो में, और यू वुड आस्क अ लॉयर, आपके साथ क्लास में लॉयर मौजूद है, यू कुड आस्क मोहम्मद अली 118, यू कुड आस्क हिम कि डज द लॉ प्रोटेक्ट, एंड ही विल गिव यू आंसर इन यस एंड नो। अच्छा, ये चीज़ आपको खुद भी मालूम है बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट कंदील बलोच एंड यू टॉक्ड अबाउट सबा, और बिकॉज दीज टू इंसिडेंट्स फॉलोड ईच अदर, यू नो, तो आपको पता है कि इस केस में लॉ मौजूद है। आफ्टर दीज केसेस जब फॉरगिवनेस वाला इशू हुआ तो लॉ में चेंजेस आ गई, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन फॉर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल और फॉर राइटिंग इवन अ रिसर्च पेपर, क्योंकि इसका जवाब आपको यस एंड नो मिलेगा। आपने खुद मेंशन किया यू वर टॉकिंग अबाउट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ डिस्कशन एंड एनालिसिस का जो आपका फ्रेम है, यू नो, इन दिस यू हैव गिवन द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च। तो एक चीज तो मैंने आप लोगों से ये कही थी कि रिसर्च प्रपोजल इज नॉट अबाउट गिविंग द कंक्लूजन ऑफ रिसर्च, राइट? तो आप इसमें जो पॉइंट्स आपने जो लिखे हैं, दीज बुलेट पॉइंट्स आर फाइन, द मिसिंग पार्ट इज दैट
यू मस्ट से आई विल यूज कंटेंट एनालिसिस मेथड. आपने कंटेंट के अलावा दो और चीजें बड़ी अच्छी मेंशन की जो कि आपने जो आई थिंक आई हैड नॉट सीन इन एनी अदर प्रपोजल. आपने मेंशन किया डिस्कोर्स एनालिसिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मेंशनड एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, आपने यू मेंशनड दीज टू थिंग्स व्हिच एक्चुअली स्ट्रेंथन योर प्रपोजल. तो यहाँ पे आपने जो कहना था कि यू वर टेलिंग अबाउट, यू वर सपोज्ड टू टेल अबाउट द मेथड ऑफ एनालिसिस एक्सेट्रा. तो हियर बिफोर सेइंग द थिंग्स दैट यू आर सेइंग और एटलीस्ट आफ्टर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, यू हैड टू ऐड के डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड और कंटेंट एनालिसिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर द स्टडी. ठीक है, ठीक है मैम. यू ओनली नीड टू से के आई विल यूज कंटेंट एनालिसिस मेथड or I will use discuss analysis method for discussion and analysis of the film. Usme aapne literature already bata diya, yahan pe your proposal already says ki sources of information kya hain. Maine aapko suggest kiya ki sources of information mein you could include jo laws maujood hain ya the changes in laws, past ordinance, present ordinance. Theek hai, so both ordinance will help to compare how the situation has changed over a period of time. ठीक है, तो आपने असल में जो question में जो correction required थी वो ये थी कि you could study either in film or via you know like public response how public understands the law before and after the changes. बिकॉज सबा और कंदील बदलोच के कॉन्टेक्स्ट में यू ऑलरेडी सेड के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज टू वेमेन वन वॉज मर्डर्ड एंड दी अदर फेस्ड अटेम्प्ट टू मर्डर. इन दोनों की सिचुएशंस के बाद इंटरनेशनली द सिचुएशन वॉज हाईलाइटेड सो मच दैट पाकिस्तान मेड चेंजेस टू द लॉ. तो चेंजेस आई उससे जो सिचुएशन आप फिल्म के अंदर देख रहे हैं, फिल्म इज रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट सिचुएशन. फिल्म इज शोइंग के सबा हैड टू फॉरगिव हर फादर एंड अंकल, राइट. तो उस सिचुएशन को विच इज़ इनसाइड द फिल्म यू कुड कंपेयर विद बोथ द लॉज, बोथ द ऑर्डिनेंसेस विच वर फ्रेम्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंसेस. ठीक है, तो आप एक तो ये तरीका हो सकता था, इन दैट केस यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स के आई एम एग्जामिनिंग कंटेंट ऑफ फिल्म इन रिगार्ड्स टू द पास्ट एंड प्रेजेंट लॉज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम. और दूसरी चीज जो थे वो आप ये कह सकते थे कि हाउ पीपल अंडरस्टूड लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म. You could study understanding of public at large in regards to the law for women's protection or the law before and after the two incidences. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? तो बिल्कुल मैम समझ रहा हूँ. ये comment मैंने आपके midterm exam पे लिखे थे because you had written exactly the same question on your midterm exam. और मैं थोड़ा सा यही देख रही थी कि यू हैव डिवेलप्ड योर प्रपोजल वेरी वेल बट हाउ कम द क्वेश्चंस डिड नॉट चेंज. तो आपसे मैं अभी फौरी तौर पे वो शेयर कर लेती हूँ. इफ़ आई थिंक आई स्टार्टेड कॉलिंग यू, मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद आई गेव यू 2-3 कॉल्स, आई इवन टेक्स्टेड यू कि सुफियान आई एम कॉलिंग यू प्लीज़ स्पीक टू मी. तो आपसे मैंने ये कहा था बिकॉज जिन लोगों ने एग्ज़ाम सबमिट किया था आई कॉल्ड ईच वन ऑफ देम to discuss their exam and I suggested ki please make these changes to your exam. To maine aapko bhi call kiya tha. If you look at your phone probably aapke paas mera number pata nahi tha ya nahi tha. You may have noticed a missed call because I tried discussing these two questions with you. Theek hai, acha dusra question hai why women give up on justice if law protects their right to sexuality and spouse selection. Right now you are saying that you will study this question through film. Aap keh rahe hain I will look at film to answer this question. Acha, this is a question jis pe you probably need women's response also. You know, aap content of film ko dekh ke you can say ke Pakistani women like Saba, you know, like the protagonist in the film, she is unable to get justice or despite the fact that law protects her right to sexuality and spouse selection in Pakistan.
तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वाई का जो आंसर है, सी आपका एक क्वेश्चन जो है प्रॉबेबली हाउ वाला क्वेश्चन है और दूसरा जो है प्रॉबेबली वाई क्वेश्चन है. तो यू हैव टू डिसाइड हियर के इफ़ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग एट कंटेंट ऑफ फिल्म और यू कुड आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन बाय सीकिंग विमेंस रिस्पांस और पब्लिक रिस्पांस. ठीक है, तो द सेकंड क्वेश्चन कैन इन्वॉल्व either of the samples for answering, you know, whatever sample you select, you must say why I'm selecting sample one to answer this question. Probably the film has the answer or film poses situations that you can discuss in your eventual thesis. ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हैं. ये comments मैंने आपके midterm पे दिए थे and I tried calling you, तो try calling back if you see a missed call in future. ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू सुफियान. तलहा प्लीज जरा जल्दी से दे दें ताकि हम इसके आज के सेशन को वाइंड अप कर दें. जी मैम. मैम, मेरा जो डॉक्यूमेंट्री थी गर्ल इन द रिवर पे था मेरा प्रपोजल एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. A Girl in the River, The Price of Forgiveness has been analyzed through this paper on the basis of how public responded to the scenario. Two different questions have been answered along with references that supports the discussion. The first of all question is that how Islam has been misused in the documentary and the people's reaction to it. And other question is that that has been answered through the review is that how the protagonist in A Girl in the River has been given less rights and treated well or mistreated by a public in comparison with Islamic culture. For both the questions, academic and non-academic sources of information have been used to support the whole argument, along with personal point of views and Quranic verses and ahadith as well. The review has been analyzed qualitatively with open-ended structure. Here is a given. Okay. No, the literature review. In the documentary, A Girl in the River, The Price of Forgiveness, a girl named Sabah has been tried to kill by her father and her uncle. The only thing that Sabah did was loving a guy named Kaiser with whom she had been engaged for years. When time came near to their marriage, Sabah's father changed his mind and broke the engagement, but no, Sabah was in love with Kaiser. She married him going against her parents' will. At last, मैं उर्दू में थोड़ा सा कर लूं बात या इंग्लिश में? I would suggest के present in English, but if it is essential to say something in Urdu, उसको आप कर दीजिएगा. But right now, I would say के best would be to use English as much as you can. ठीक है? At last, her father decided to kill her and shot her while taking her home from Castle's house and threw her in a river. But luckily, she survived and filed a case on her father. At last, society forced her to forgive her father, and she didn't. She did it without her consent. No, her father gave some references about Islam, but Islam didn't say it either that murdering someone is okay. Moreover, society never let Sabah seek justice, forcing her to forgive her father. But on the other hand, Sabah didn't do anything wrong, as Islam gives every mature person every right to choose his or her marriage partner. A forced marriage is not considered valid in Islam. That's why Islam also orders parents to marry their children with someone they are willing to marry. Apart from this, Islam also gives several teachings and lessons on justice. And everyone has a right to seek justice. So it's all about lack of Islamic knowledge and usage of Islamic knowledge for personal sake. Theoretical framework, इसमें जो थ्योरी थोड़ी सी यूज की गई की जाएगी वो मैस्लो की की थी मैंने नीड्स मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के सबा को जो मतलब जिस नीड पे लव नीड पे सबा पहुंची हुई थी बट उसके फादर की नीड जो थी वो रिस्पेक्ट थी जिस तरह मतलब वो मैस्लो भी कहता है कि जो कुछ लोगों के लिए सेल्फ स्टीम पहले होती है एंड कुछ लोगों के लिए जो लव नीड है वो पहले होती है. सो यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट था दोनों का. सो इसमें थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन मतलब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगी. रैशनल रैशनल इज क्लियर बाय टू एस्पेक्ट्स दैट हैपेंड विद सबा इन द डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर. वन इज शी वाज ट्राइड टू गेट मर्डर बाय हर ओन फादर.
The second one is the Islamic teachings are misused because of lack of knowledge and personal sake. The last one is Saba was not set free by her society to get justice. In fact, she was pressurized to withdraw her case. Objectives. To unfold the fact that there is a lack of knowledge of Islam, which is why we often use it for wrong circumstances. And the second one is to analyze the public response over honor killing issues. For search purpose, sampling method will be used. Distribution of samples made in such a way that equal number of different age groups will be added to the sample. For example, age groups from 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50 years old. And a survey will be conducted from these age groups. And after this, the result will be analyzed from the survey. Validity and collection of data. The instrument validity and reliability will be determined through piloting the instrument with 150 viewers. The statistical package for social sciences will be used to analyze the data for the presence of structure among the variable concerning cinematic literacy and consumption decline of play and to a certain reliability of scales. Data collection and analysis. The qualitative data will be at last obtained by the results of the survey and its analyzation. Data collection results obtained by analyze and data collection at last the final results will be obtained from the survey will be collected and final results will be obtained. At last, the conclusion would be proved that from the whole discussion from the proposal that there is a serious lack of knowledge of Islam in many of the areas of our society and a public response is whenever someone elder person do some kind of mischief, so the society often pressurize the younger down for the sake of respect and their own ends. Thank you. Comments. सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन थी। हाँ बताइए क्या? क्या अच्छा लगा था नबी स्पेशली यार the way he presented his idea and presentation. So try telling me what are the strengths of the proposal. मैं मुझे तो लग रहा है ये कि तलहा जो है ना वो जो उसने अभी हमें प्रेजेंटेशन दी है he is quite clear and confident about his idea about what he wants to research on. He's actually doing this research in the light of Islamic verses and Islamic knowledge or ideology, which is a new turn on this subject. Because I don't think I might be wrong. I don't think that we were doing research in this context. All right. So, good thing. It's a good point. It's a good point that he is studying the film in the context of Islamic vision of women's right to sexuality and husband selection. ठीक है? ये अच्छा point. तलहा, मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि slide 1 से slide 2 तक, you are continuing the introduction in both the slides. दो slide 2 says literature review. लेकिन जो literature review that you had mentioned in your midterm exam. वो लिटरेचर आपने यहाँ डाला नहीं है, राइट? सो इन मैम, मैं वो स्लाइड में मैंने नहीं था, मैंने स्लाइड में मैंने काफी उसको क्रॉप कर दिया था। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, जो आपने स्लाइड वन एंड स्लाइड टू में, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर प्रपोजल, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द समरी ऑफ द फिल्म एंड द क्वेश्चंस दैट द फिल्म रेज्ड इन योर माइंड, इन बोथ द स्लाइड्स यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग योर प्रपोजल एंड यू आर डिस्कसिंग व्हाट क्वेश्चंस दिस फिल्म raised in your mind and what is your objective of study etc. ठीक है? अच्छा इसमें मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे you had to actually आपने mention किया Islamic teachings etc. तो then you needed names of authors, people who have commented or who have discussed women's right to sexuality around the world and especially Islamic world, right?
मैंने आपका प्रपोजल आई हैव रेड योर प्रपोजल अ नंबर ऑफ टाइम्स यू सबमिटेड इट इवन इन द एग्जाम एक्सेट्रा ठीक है मिड टर्म में आपने ये चीजें मुझे दी थी सो बिकॉज आई हैड रेड योर मिड टर्म आई एम सेइंग के लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग के अंदर आपने लिटरेचर मेंशन करना था ये जो टू स्लाइड्स हैं ये आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जा सकते थे राइट व्हेन सुफियान वाज प्रेजेंटिंग हिज प्रपोजल आई सेड टू हिम दैट टेबल एक्चुअली कंटेन्स एवरीथिंग दैट ही नीडेड इफ हैड ही वांटेड ही कुड ओनली ओपन हिज टेबल टू डिस्कस हिज प्रपोजल ऑफ रिसर्च आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन के लिए वो टेबल भी काफ़ी था बट इट्स बेटर टू सी कि आप मुख्तलिफ चीज़ों पे किस तरह का लिटरेचर कवर कर रहे हैं तो आई एम सेइंग कि दिस स्लाइड रिक्वायर्स लिटरेचर दैट यू हैव लुक्ड एट दैट लिटरेचर वाज मेंशन्ड इन योर मिड टर्म स्टडी दिस स्लाइड एक्चुअली नीडेड सर्टन नेम्स ऑफ ऑथर्स फ्रॉम इस्लामिक वर्ल्ड एंड फ्रॉम नॉन इस्लामिक वर्ल्ड इट नीडेड लिटरेचर और मेंशंस ऑफ पीपल who have studied women's right to sexuality in any part of the world. तो आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ नाम चाहिए थे that I'm saying the names are missing here. ठीक है citations are missing. This part literature is the part of the study जो कि सिर्फ literature ही होता ना इसमें girl in the river अगर ना भी होती तो girl in the river का जो key concept था that key concept guided you what literature to look for. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग मिस यूज ऑफ इस्लाम वैसे मिस आपने डबल एस से लिखा हुआ है सो इट साउंड लाइक मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स एक्सेट्रा ठीक है तो हाँ वो वन वर्ड है मिस यूज और आप उसको सिंगल एस यूज करेंगे सो आई एम सेइंग कि दिस ओनली नीडेड नेम्स ऑफ पीपल टाइटल भी आपने प्रपोजल का इनकम्प्लीट लिखा है आई हैड मैंशनड सर्टन टाइटल्स आपको एग्जैक्ट टाइटल यूज करना है सो वी नो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च स्टडी द टॉपिक आल्सो टेल्स अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस और थीसिस स्टेटमेंट इन अ मैनर ठीक है तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि टॉपिक कंप्लीट हो ये दोनों स्लाइड्स आपके इंट्रोडक्शन में जा सकते थे इंट्रोडक्शन शुड कवर पॉइंट्स दैट वर मेंशनड इन द टेबल ब्रीफली कवर पॉइंट्स मैंने सुफियान को बताया भी था कि व्हाट ही शुड से आई टोल्ड हिम इन वन लाइन व्हाट टू से ठीक है तो उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एज अहमद नबी अहमद सेड जस्ट नाउ कि यू वर यूजिंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सो थ्योरेटिकल फ्रेम शुड आल्सो इंक्लूड दैट इस्लामिक डायमेंशन अपार्ट फ्रॉम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स ठीक है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें आपकी somehow the film should be mentioned because you are primarily proposing you are proposing two methods of study right you are proposing content analysis of film and you are also proposing audience survey theek hai so because you are proposing two methods you should say my research uses two methods of study method 1 content analysis of film method 2 survey of viewers और सर्वे ऑफ पब्लिक एट लार्ज ठीक है तो आपने यहाँ पे मेंशन किया ये आपको आपने कहा इक्वल सैंपल ऑफ पीपल फॉर एग्जांपल आपके 150 हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि यू वर सेइंग के 20 टू 30 पीपल विल बी ऑफ एज ग्रुप 20 टू 30 50 people will be of age group 30 to 40 and 50 people will be of age group 40 to 50 आपको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि डू नॉट लॉक योर सैंपल इन दीज टू और थ्री एज ग्रुप्स बिकॉज पीपल अबव 60 मे हैव डिफरेंट व्यू ऑफ और सिमिलर व्यू of the problem so I would say ke isko leave it as a continuous variable you can say ke I am including people of age group 20 and above in my study or 20 and above kehne ke baad usko open chhod dein I would suggest ke bajaye ye kehne ke people sample will be of three age groups mentioned here आप एक और चीज कर सकते थे कि यू कुड इंक्लूड इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड विमेन इन द स्टडी ठीक है
और क्योंकि वो आपकी इवेंचुअल टेस्ट्स पे इट वुड हैव एन इम्पैक्ट। और यहाँ पे आपसे मैं सिर्फ एक चीज कहूँगी कि कंक्लूजन शुड नॉट बी द हेडिंग, क्योंकि आप इस वक्त आपने ये कंक्लूजन आपके रिसर्च पेपर में तो जा सकता है के जो आप अभी लिख रहे हैं, राइट? आई सपोज यू विल बी राइटिंग रिसर्च पेपर। इन योर रिसर्च पेपर यू कैन से के योर स्टडी शोज दैट पब्लिक एट लार्ज लैक्स नॉलेज ऑफ इस्लाम, राइट? पब्लिक एट लार्ज लैक्स नॉलेज ऑफ द जस्टिस सिस्टम और दैट जस्टिस सिस्टम अलाउज वेमेन टू ऑप्ट फॉर अ हस्बैंड ऑफ देयर चॉइस। तो आप ये चीज़ें कह सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ ये कहना था कि डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड में दैट यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, आपने कहा कि जी आई विल बी यूजिंग SPSS, राइट? तो बेसिकली यू हैव यूज टू मैथड्स दैट विल वैलिडेट योर स्टडी एंड मेक इट रिलायबल ऑल्सो, बट हियर यू डोंट नीड दिस हेडिंग कंक्लूजन बिकॉज कंक्लूजन इज फॉर योर स्टडी जो कि आप रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं। Here you would say discussion and analysis, and then you would say the things that you have already mentioned. So you have mentioned things, but they need to be mentioned here. Okay, I'm using SPSS for data analysis and discussion, and I'm also using content analysis method for studying film. So यहाँ पे आपने discussion and analysis method बताना था, ठीक है? उस एनालिसिस के बाद उस एनालिसिस का कंक्लूजन प्रोबेबली ये होगा, बट दैट कंक्लूजन विल गो इन योर रिसर्च पेपर और फाइनल चैप्टर ऑफ द थीसिस व्हाटएवर यू आर हेडिंग फॉर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू मोहम्मद अली। यस मैम, यू कैन यूज योर मिड टर्म सबमिशन फॉर डिस्कशन एंड यू कैन टॉक अबाउट मेथोडोलॉजी, जबानी बात कर ले मेथोडोलॉजी के बारे में इफ यू लाइक। मुझे तलहा आपकी आपकी प्रेजेंटेशन में आई डिडंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम, यू जस्ट नीड टू यू नो थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वॉज गुड। ओके, ऑल राइट, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर बींग हियर टूडे।